हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं रीमान इंटीग्रल, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी, एमएससी, आईआईटी जैम और भी सीएसआईआर नेट के टॉपिक्स के सिलेबस के लिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। इसकी कुछ वीडियो कुछ टर्म्स हमने इससे पहले वीडियो में जानी थी, जो कि हमने डिस्कस किया था अपर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अपर रीमान सम क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड फंक्शन है और वो क्लोज इंटरवल ए टू बी में डिफाइंड है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उस इंटरवल ए टू बी के हमने पार्टीशन कर लिए। इस तरीके से पूरे इंटरवल को छोटे छोटे सब इंटरवल में बांट लिया। ए पॉइंट पर अगर एक्स नॉट बोल रहे हैं, नेक्स्ट उसके बीच में हमने ए और बी के बीच में एक पॉइंट एक्स वन लिया, फिर नेक्स्ट एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स आर माइनस वन, अप टू एक्स एन, अप टू इक्वल टू बी। ये सारे पॉइंट एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स एक्स नॉट से ग्रेटर एक्स वन, एक्स वन से ग्रेटर एक्स टू। तो इस तरीके से जब हमने ये एक पॉइंट्स का कलेक्शन कर लिया जिन पर हमने पूरे इंटरवल को डिवाइड किया है, उन कलेक्शन से एक सेट तैयार हो गया। सेट पी को कहा जाता है पार्टीशन। तो पार्टीशन ऑफ पी एक इंटरवल ए बी का हमने लिया है। इस पार्टीशन के कारण पूरा इंटरवल जो ए बी है वो छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड हो गया। एक सब इंटरवल आई वन हो जाएगा जो एक्स नॉट से एक्स वन का, फिर आई टू एक्स वन से एक्स टू का, इस तरीके से सब इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा पूरा इंटरवल। तो रीमान महाशय जी ने डिफाइन किया कि यहाँ पर लोअर रीमान सम क्या होता है। लोअर रीमान सम होता है कि जो भी हमने ये पार्टीशन किया है, इस पार्टीशन के कारण जितने भी सब इंटरवल्स बने हैं उन सभी सब इंटरवल्स में, अलग अलग सब इंटरवल्स में हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन के अलग अलग सब इंटरवल्स में इन्फीमियम वैल्यू, जिन्हें हम किसी जनरल एक्स आर माइनस वन से एक्स आर सब इंटरवल जो बना है इसका, उसमें से इन्फीमियम वैल्यू स्मॉल एम आर मान रहे हैं। इन्फीमियम मतलब फंक्शन की सबसे कम वैल्यू, और ग्रेटेस्ट वैल्यू को हम कैपिटल एम आर कंसिडर करके चल रहे हैं। तो उस केस में उन्होंने बताया कि जो यूपीएफ होगा अपर रीमान सम, तो अपर रीमान सम जो है उसे हम यूपीएफ से डिनोट करेंगे, जो कि फंक्शन पी और एफ का होगा, यानी कि पार्टीशन पर भी डिपेंड करेगा और फंक्शन पर भी डिपेंड करेगा। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा पहले सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू। जैसे कि यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं पूरा फंक्शन, ये हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रल, जिसके लिए हम अपर रीमान सम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस फंक्शन के ग्राफ को हमने ए टू बी इंटरवल में डिफाइंड था, इसको हमने पार्टीशन में डिवाइड कर लिया, जिससे कि पूरा इंटरवल एक्स नॉट से एक्स वन, एक्स वन से एक्स टू, एक्स टू से एक्स थ्री, इस तरीके से सब इंटरवल में डिवाइड हो गया। तो पहले सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू, यानी कि ग्राफ की हाईएस्ट लेंथ यहां पर हमें दिख रही है ये एम वन, और इंटरवल की लेंथ डेल्टा एक्स वन है, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे सब इंटरवल में फंक्शन की जो सुप्रीमियम वैल्यू है वो एम टू दिख रही है यहां पर, इंटरवल की लेंथ इसको हम डेल्टा एक्स टू बोल रहे हैं, तो एक रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा जिसकी लेंथ एम टू और ब्रेथ डेल्टा एक्स टू, यानी कि ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये रेक्टेंगल्स आए इनके एरियाज को अगर हम टोटल कर लेंगे तो ये रेक्टेंगल्स के एरिया का सम आएगा। और एक्चुअली में ये एरिया जो है वो रिक्वायर्ड एरिया, जो फंक्शन के ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया है जो कि इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा, उससे ये एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, अपर जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया अपर रीमान सम। इस टोटल एरियाज के सम को अपर रीमान सम कहा, जिसे यूपीएफ से डिनोट करते हैं। सिमिलरली जब हम एलपीएफ निकालते हैं, यानी कि लोअर रीमान सम निकालते हैं, तो अलग अलग सब इंटरवल्स में फंक्शन की इन्फीमियम, यानी कि पूरे ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस पूरे ग्राफ में फंक्शन के ग्राफ की सबसे छोटी लेंथ जो है उस लेंथ, ये वाली लेंथ है इस इंटरवल के अंदर, सब इंटरवल के अंदर, तो इस लेंथ और इंटरवल की लेंथ की प्रोडक्ट करी तो ये रेक्टेंगल का एरिया गया। नेक्स्ट वाले जो सब इंटरवल है x1 से x2, इसमें फंक्शन की सबसे कम वैल्यू हमें इन्फीमियम वैल्यू ये दिखाई दी और m2, और इसकी इंटरवल की लेंथ को डेल्टा x2 बोल रहे हैं, तो दोनों की प्रोडक्ट से रेक्टेंगल का एरिया आ गया। इसी तरीके से जो ये रेक्टेंगल्स फ्रेम हुए, इन सब के एरियाज को हम टोटल करेंगे तो ये एरिया जो है वो ग्राफ y इक्वल टू fx और x एक्सिस के इन बिटवीन एरिया से लोअर रह जाता है। तो इस टोटल एरियाज के सम को क्या कहा गया, लोअर रीमान सम कहा गया। ऐसा रीमान महाशय जी ने डिफाइन किया, यानी कि LPF फिजिकल टू होता है पहले इंटरवल में इन्फीमियम वैल्यू स्मॉल m1 इंटू डेल्टा x1 इंटरवल की लेंथ, फिर प्लस दूसरे इंटरवल में स्मॉल m1 m2 इन्फीमियम वैल्यू इंटरवल की लेंथ प्लस सोन। तो ये टोटल सम जो है वो LPF लोअर रीमान सम को डिनोट करता है पार्टीशन P के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ से एक बात और यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होता है कि अगर हम पूरे इस फंक्शन एफ एक्स की बात करें तो इस टोटल क्लोज इंटरवल में फंक्शन की सबसे सुप्रीमियम, यानी कि पूरे इंटरवल में ए टू बी में जो फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू है, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ओवरऑल इंटरवल में अगर हम देखें, तो सबसे हाईएस्ट हाइट पर जो पॉइंट एक्स एक्सिस से दिखाई दे रहा है वो ये वाला पॉइंट है, और ये यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये डिस्टेंस होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, वो फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू कैपिटल एम को डिनोट करेगी। और साथ ही साथ अगर हम पूरे इंटरवल की लेंथ की बात करें दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है ए टू बी, इस इंटरवल की ये जो लेंथ है, इस लेंथ की अगर हम बात करें तो ये लेंथ किसके इक्वल होगी, b माइनस a के इक्वल, क्योंकि यहां से यहां तक x की वैल्यू b है और यहां से यहां तक x की वैल्यू a है, तो इन बिटवीन ये जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, b माइनस a। तो दोस्तों अगर हम यहां पर ये जो दोनों लेंथ आई है, एक लेंथ ये वाली आई है b माइनस a, और ये इसकी सुप्रीमियम वैल्यू जो फंक्शन की यहां पर टोटल इंटरवल में हमें दिखाई दे रही है, जिसे हम कैपिटल m बोल रहे हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो एक ऐसे रेक्टेंगल का एरिया जाएगा जिसकी लेंथ ये हो m और ब्रेथ ये हो b माइनस a। तो कौन सा रेक्टेंगल बन जाने वाला है उसको देख लेते हैं जरा। तो वो यहां पर रेक्टेंगल फ्रेम हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये रेक्टेंगल आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो रेक्टेंगल आएगा, आप लोग देख रहे हैं इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ग्राफ से ऊपर जा रहा है,
ग्राफ से ऊपर जा रहा है। और इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर पूरे फंक्शन का हम यहाँ पर पूरे फंक्शन का हम इन्फिमियम वैल्यू यानी कि सबसे कम वैल्यू देखें, तो सबसे कम वैल्यू पूरे फंक्शन की यहाँ से ये वाली लेंथ रहने वाली है, स्मॉल m, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। तो और इंटरवल की लेंथ ये b माइनस है। अगर दोनों लेंथ्स की प्रोडक्ट करें स्मॉल m इंटू b माइनस है, तो ये कौन सा रेक्टेंगल फ्रेम आउट होगा, ये यहाँ पर ये वाला रेक्टेंगल फ्रेम आउट होगा, ये नीचे वाला, इस तरीके से, ये जो x एक्सिस से बाउंड होगा इस लाइन के नीचे। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि स्मॉल m इंटू b माइनस है, ये वाला रेक्टेंगल आ रहा है, और इस रेक्टेंगल के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम ये एरिया देखें, तो ये जो LPF वाला जो हमने एरिया निकाला था, जो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया जो हमने स्मॉल m1 के कोरस्पॉन्डिंग निकाला था, ये LPF से कम है। यानी कि यहां से रिजल्ट दिखाई देता है हमें, सीधा सीधा ग्राफिकली रिजल्ट दिखाई देता है कि स्मॉल m इंटू b माइनस a से ऑलवेज LPF जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल रहने वाला है। और इसी तरीके से प्यारे दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें तो पूरे फंक्शन के लिए सुप्रीमियम वैल्यू हमें यहां पर क्या दिख रही है, पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू हमें यहां पर क्या दिख रही है, यहां पर सुप्रीमियम वैल्यू पूरे इंटरवल के अंदर ये सबसे ज्यादा दिख रही है। और इस इंटरवल की लेंथ यहां पर हमें क्या दिख रही है, बी माइनस ए, ये लेंथ दिख रही है, बी माइनस ए ये लेंथ दिख रही है, b माइनस ए। तो इस दोनों को लेकर अगर हम प्रोडक्ट करें तो किस रेक्टेंगल का एरिया फ्रेम आउट हो जाएगा, वो इस रेक्टेंगल का एरिया यहां पर फ्रेम आउट हो जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया यहां पर हमारे पास बन जाता है, ये एरिया अगर हम देखें, और ये हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल को शो कर रहा था, ये जो हमने पहले निकाला था कैपिटल M की फॉर्म में, तो ये एरिया जो टोटल निकाला है, ये एरिया जो हम वैल्यू देखें तो वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। तो ये एरिया टोटल जो है वो ये अपर रीमान सम जो ये रेक्टेंगल्स बन रहे थे उनसे ये उससे ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब जो है वो UPF से ग्रेटर देन और या इक्वल भी हो सकता है क्या, कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। इक्वल किस केस में हो जाएगा, तो अगर फंक्शन कांस्टेंट है और एक स्ट्रेट लाइन आएगा तो फिर ये सारी सुप्रीमियम वैल्यू इक्वल हो जाएंगे और ये फिर रेक्टेंगल सेम इसके इक्वल बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर ये जो रिजल्ट हमारे पास बनता है, और ये भी क्लियर है आप लोग प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो हमने LPF निकाला था, ये वाले जो रेक्टेंगल निकाले थे, ये रेक्टेंगल सारे जो है वो ग्राफ से नीचे जा रहे हैं, और उसके बाद जो हमने यहाँ पर ये जो UPF निकाला था, ये सारे रेक्टेंगल जो है वो ग्राफ से ऊपर जा रहे हैं। तो क्लियर यहाँ से ये होता है कि सेम पार्टीशन P के लिए UPF जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा और LPF जो है हमेशा कम होगा। तो यहाँ से ये भी एक रिजल्ट मिल जाता है कि UPF जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होगा किससे, LPF से। तो इस तरीके से हम इन तीनों कंडीशंस को अगर हम कंबाइंड करते हैं, पहले एक कंडीशन हमारे पास ये मिलती है कि LPF से UPF ग्रेटर होगा, ठीक है, यहां पर ये कंडीशन मिलती है LPF से UPF ग्रेटर होगा। उसके बाद यहां पर एक रिजल्ट मिलता है कि UPF से ग्रेटर होगा कैपिटल M इनटू B माइनस A। तो यहां से रिजल्ट बनता है LPF से ग्रेटर हुआ कौन, ग्रेटर देन इक्वल हुआ UPF, और UPF से ग्रेटर देन इक्वल हुआ कैपिटल M इनटू B माइनस A। और इससे पहले एक रिजल्ट हमें यहां पर मिला था कि स्मॉल m इनटू B माइनस A लेस होगा किससे, LPF से, यानी कि ये एक और रिजल्ट मिल जाता है स्मॉल m इनटू B माइनस A जो है वो LPF से लेस होगा। तो इनको सबको कंबाइन करें तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है कि अगर फंक्शन का पूरे इंटरवल ए टू बी में सबसे इन्फीमियम वैल्यू स्मॉल m है और ग्रेटेस्ट वैल्यू कैपिटल m है सुप्रीमियम वैल्यू, तो उस केस में स्मॉल m इनटू b माइनस a से LPF ग्रेटर होगा और LPF से UPF ग्रेटर होगा और UPF से कैपिटल m इनटू b माइनस a ग्रेटर होगा। इस बात को मैंने अपने आपको ग्राफिकली प्रूफ भी करके दिखा दिया, तो ये रिजल्ट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक और कंसेप्ट डेवलप करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक पार्टीशन पी लिया है जो इंटरवल ए बी का है, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए, एक्स वन कॉमा एक्स टू अप टू एस ऑन एक्स आर माइनस वन एक्स आर अप टू एक्स एन इज इक्वल टू बी, ये एक हमने पार्टीशन लिया है। और एक और पार्टीशन पी स्टार लिया है जिसमें एक्स नॉट इज इक्वल टू ए कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा सो ऑन एक्स आर माइनस वन, और एक्स आर माइनस वन से एक्स आर का ये जो पहले सभी पार्टीशन में इंटरवल था इसको भी हमने इसके इन बिटवीन एक और पॉइंट वाई पर ब्रेक कर लिया, तो ये एक्स आर माइनस वन से वाई और फिर वाई से एक्स आर का एक दो सब इंटरवल में डिवाइड हो गया ये, और आगे एज इट इज पार्टीशन है इंटरवल है। तो ये जो पार्टीशन पी स्टार बना, ये यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पी स्टार वाला जो पार्टीशन है वो पी का जो है वो सुपर सेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो पी स्टार जो है वो सारे पॉइंट्स को कंटेन करेगा जो पी के अंदर है। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर दो पार्टीशन है जिसमें से कि पी स्टार पी का सुपर सेट है, तो उस केस में पी स्टार जो है वो पी का क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट, जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है जो दूसरे सेट की पार्टीशन के सभी पॉइंट को कंटेन करता है उसे पार्टीशन का रिफाइनमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर रिफाइनमेंट इसे क्यों कहा जाता है उसको हम यहाँ पर जान लेते हैं, और उससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये पार्टीशन है हमने किया हुआ मान लीजिए, और इस पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग हमने अलग अलग जो सब इंटरवल्स बने हैं वो पूरे इंटरवल ए से बी तक का था, उसके छोटे छोटे सब इंटरवल ये यहाँ पर अलग अलग सब इंटरवल बन जाते हैं। मान लिया एक सब इंटरवल यहाँ पर ये बन जाता है, दूसरा सब इंटरवल हमारे पास ये आ जाता है, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट ये आ जाता है, नेक्स्ट फिर ये आ जाता है एक और सब इंटरवल, और इसी तरीके से यहाँ पर एक सब इंटरवल ये फ्रेम हो जाता है, और टोटल यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारे सब इंटरवल बन जाते हैं। तो इन सब इंटरवल्स के कारण जब हम अलग अलग सब इंटरवल्स में फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू निकालेंगे, तो अगर हम इस पूरे सब इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक इस सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू यानी कि सबसे ज्यादा
देखें तो वो हमें यहाँ पर ये दिख रही है, और इस इंटरवल में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो फंक्शन की दिख रही है इसे मैं कैपिटल एम वन बोल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सब इंटरवल ये है, इसमें भी फंक्शन की सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये ही दिख रही है, इसे मैं एम टू बोल रहा हूँ। इस इंटरवल में फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू जो दिख रही है ये दिख रही है हाइट, और इसे हम एम थ्री बोल रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जो दिख रही है ये आर एथ सब इंटरवल है एक्स आर माइनस वन से एक्स आर का, इसको हम कैपिटल एम आर बोल रहे हैं, और इस तरीके से बाकी सब इंटरवल्स में है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम यहाँ पर अपर रिमांड सम निकालें तो अपर रिमांड सम क्या होगा, अपर रिमांड सम होगा यहाँ पर यूपीएफ पी पार्टीशन के लिए अगर हम अपर रिमांड सम निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, पहले सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू की यानी कि एम वन इंटू डेल्टा एक्स वन पहले इंटरवल की लेंथ, प्लस फिर सेकेंड इंटरवल में सुप्रीमियम वैल्यू का एम टू कैपिटल एम टू इंटू डेल्टा एक्स टू एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर एम आर जो हमारे पास आर एथ सब इंटरवल है उसकी सुप्रीमियम वैल्यू इंटू उसकी लेंथ एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम अप टू एम एन और डेल्टा एक्स एन करते चले जाएंगे, तो ये टोटल जो सम आएगा वो फंक्शन का सुप्रीमियम अपर रिमांड सम कहलाएगा। अगर हम ग्राफ में देखें तो ये सम किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट जो रिप्रेजेंट करेगी ये लेंथ और ये लेंथ की प्रोडक्ट एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगी जो ये वाला रेक्टेंगल होगा। इसी तरीके से ये जो इंटरवल है इस इंटरवल में सुप्रीमियम वैल्यू को एम टू हम बोल रहे हैं वो जो कि ये लेंथ है और इंटरवल की लेंथ डेल्टा एक्स टू ये है, तो दोनों की प्रोडक्ट से जो रेक्टेंगल फ्रेम आउट होगा वो ये होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में रेक्टेंगल ये फ्रेम आउट होगा, उसी तरीके से फिर नेक्स्ट में ये फ्रेम होगा, नेक्स्ट में ये फ्रेम होगा और नेक्स्ट में ये फ्रेम होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर हम टोटल इन सब रेक्टेंगल्स का सम फाइंड आउट करें तो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी यूपीएफ अपर रिमांड सम फॉर द पार्टीशन पी। अब हम अगर पी स्टार के लिए फाइंड आउट करते हैं तो हम यहां पर हम देख रहे हैं कि पार्टीशन पी स्टार के लिए सारे पॉइंट यहां पर सेम है, एक्स नॉट से एक्स वन बिल्कुल सेम है, एक्स वन एक्स टू यहां पर भी था सब सेम था, बट यहां पर ये वाला जो सब इंटरवल है ये हमने एक बीच में पार्टीशन वाई पर पॉइंट पर वाई पर ब्रेक कर लिया। तो प्यारे दोस्तों अगर हम यहां पर इसे एक नए पॉइंट वाई को यहां पर कंसिडर कर ले रहे हैं इन बिटवीन यहां पर वाई, तो यहाँ पर y कंसिडर करने के बाद ये एक अब पूरा एक कंप्लीट इंटरवल नहीं रह गया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इस पूरे इंटरवल को छोटे पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इस पार्ट के अंदर इस पहले वाले पार्ट के अंदर फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू क्या होगी सबसे ज़्यादा ये दिख रही है हाइट, और उसके बाद जो रेक्टेंगल फ्रेम होगा यहाँ पर जो रेक्टेंगल आएगा उस रेक्टेंगल का जो एरिया जिसका निकलेगा ये प्रोडक्ट से वो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा यहाँ पर ये वाला। और इस दूसरे वाले रेक्टेंगल में अगर हम देखें इसे इंटरवल में तो इस इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमियम वैल्यू इस बार अब ये वाली आएगी यहाँ तक इस लेंथ तक, और ये लेंथ और इंटरवल की लेंथ ये है दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कौन सा रेक्टेंगल आ जाएगा, ये वाला रेक्टेंगल आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ में देखें तो यहाँ पर ये जो और बाकी इंटरवल सेम है, सारे पार्टीशन सेम है, पॉइंट सेम है सब इंटरवल्स, तो इसका मतलब बाकी एरिया सेम बनेंगे। ये एरिया जो हम ग्राफ में देख रहे हैं ये एरिया थोड़ा सा कम हो गया है, ये इतना पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है वो लेस हो गया है, इतना पोर्शन जो है वो क्या हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्लियर हुआ कि जो हमने पार्टीशन करा एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला तो रिफाइनमेंट पी स्टार बन गया यहाँ पर, तो रिफाइनमेंट पी स्टार के लिए जो यूपीएफ है यानी कि अपर रिमांड सम जो टोटल आएगा एरियाज का सम वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि जो हमारे पास रिफाइनमेंट बनेगा यूपी स्टार एफ रिफाइनमेंट के लिए जो UPF आएगा अपर रिमांड सम आएगा वो हमेशा लेस देन इक्वल आएगा किसके PF UPF से, यानी कि P पार्टीशन जिसका ये रिफाइनमेंट है उसके UPF से अपर रिमांड सम से P स्टार का जो अपर रिमांड सम है वो हमेशा लेस और इक्वल आएगा। प्यारे दोस्तों इसी तरीके से हम एक और रिजल्ट यहां पर डेवलप कर सकते हैं, या यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि रिफाइनमेंट वर्ड क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हमने पार्टीशन करा एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला और ये रिफाइन ये नया सेट बना लिया एक्स्ट्रा पॉइंट डालते ही, तो ये जो यूपीएफ है और कम हो गया, और कम हो जाने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो हमें एरिया फाइंड आउट करना था ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, ये एरिया कम होकर और उसके क्लोज आ गया और कम हो गया। जितने हम पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा डालते चले जाएंगे यानी कि जो पॉइंट है वो पहले वाले पार्टीशन का जो पार्टीशन है वो और ज़्यादा पॉइंट डालकर रिफाइनमेंट और एक्स्ट्रा बनाते चले जाएंगे, तो क्या होगा कि ये जो ये एरिया है अपर रिमांड सम वाला वो एरिया और कम होता चला जाएगा और ग्राफ के और एक्स एक्सिस के बीच के जो एरिया यानी कि इंटीग्रल के और क्लोज होता चला जाएगा। इट मींस ये क्या कर रहा है, उसे और रिफाइन कर रहा है यानी कि प्योरीफाई कर रहा है, तो इसलिए इसे रिफाइनमेंट कहा जाता है क्योंकि रिफाइनमेंट क्या कर रहा है, उस एग्जैक्ट एरिया के और क्लोज जा रहा है। इसका मतलब अपर रिमांड सम जो वो एक्स्ट्रा हो रहा था इंटीग्रल से उसमें रिफाइनमेंट लगाते ही और उसके क्लोज हो गया यानी कि उससे कम हो गया और इंटीग्रल के पास आ गया। इसी तरीके से अगर हम एल पी एफ और एल पी स्टार एफ में रिलेशन देखेंगे प्यारे दोस्तों ग्राफिकली तो उसमें भी ये रिलेशन आएगा, क्योंकि एल पी एफ हमेशा हमने पीछे एग्जांपल में भी डिस्कस किया था ग्राफिकली कि एल पी एफ हमेशा ग्राफ के एरिया से नीचे टोटल एरिया आता है, तो एल पी एफ हमेशा कम आता है, पर हमें एग्जैक्ट इंटीग्रल एरिया तक पहुंचना है तो ये क्या होगा और बढ़ना चाहिए। तो जैसे ही हम पार्टीशन डालेंगे ये और प्योरीफाई होगा यानी कि पार्टीशन के लिए एल पी एफ और बढ़ता चला जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस बात को हमेशा के लिए आप लोग याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो भी रिफाइनमेंट होगा हमेशा रिफाइनमेंट के लिए एलपीएफ बढ़ेगा और रिफाइनमेंट के लिए यूपीएफ हमेशा डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाना चाहिए।
कुछ और इंपॉर्टेंट हम रिजल्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर जो रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड है। एक रिजल्ट हमने ये अभी डेवलप किया है कि अगर किसी भी फंक्शन का क्लोज इंटरवल ए टू बी में इन्फीमियम यानी कि सबसे कम वैल्यू ओवरऑल इंटरवल ए टू बी में स्मॉल एम है और सुप्रीमियम वैल्यू कैपिटल एम है, इन्फीमियम और सुप्रीमियम अगर हम देखें तो इन्फीमियम और सुप्रीमियम स्मॉल एम और कैपिटल एम है फंक्शन एफ एक्स का इंटरवल ए टू बी में कंप्लीट इंटरवल में, तो उस केस में स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए से जो प्रोडक्ट से जो वैल्यू आएगी यानी कि एरिया जो आएगा ये वो हमेशा एल पी एफ से लेस होगा और एल पी एफ से ग्रेटर होगा हमेशा कौन, यू पी एफ। ग्राफ में हमने देखा था कि एल पी एफ जो है वो ग्राफ के एरिया से नीचे रह जाता है टोटल एरिया और यूपीएफ जो है वो ग्राफ के एरिया से टोटल ऊपर रह जाता है, तो इसका मतलब यूपीएफ ग्रेटर होगा एलपीएफ से और उससे भी ज्यादा होता है क्या, कैपिटल एम इनटू बी माइनस ए। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, मैंने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया था उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यूपी माइनस एफ, प्यारे दोस्तों यहां पर यह ध्यान रहे कि अगर हम अपर रीमान सम किसी पार्टीशन पी के लिए माइनस एफ फंक्शन का निकालते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, लोअर रीमान सम ऑफ पी पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग किसी फंक्शन उसी सेम फंक्शन एफ का के नेगेटिव के इक्वल होगा यानी कि माइनस एल पी एफ के इक्वल होगा क्या, यू पी माइनस एफ। इसी तरीके से एल पी माइनस एफ यानी कि लोअर रीमान सम हम निकाले पार्टीशन पी के कोरस्पॉन्डिंग माइनस एफ फंक्शन का वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ यू पी एफ यानी कि पी पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग एफ फंक्शन के अपर रीमान सम के नेगेटिव के इक्वल होगा। तो ये भी रिजल्ट आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट फिर यहाँ पर ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर एफ कोई पार्टीशन है, एफ कोई फंक्शन है जो कि बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है, पी कोई पार्टीशन है और पी स्टार उसका रिफाइनमेंट है, तो हमने डिस्कस किया था अभी कि रिफाइनमेंट का जो एलपीएफ है वो हमेशा बढ़ता है और रिफाइनमेंट का जो यूपीएफ है हमेशा वो डिक्रीज होता जाता है क्योंकि वो प्योरीफाइन हो रहा है इसलिए उसे रिफाइनमेंट भी कहा जा रहा है। उसके बाद एक और रिजल्ट बनता है यहाँ पर कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ऊपर फर्स्ट रिजल्ट कि यूपीएफ और एलपीएफ में हमेशा अपर रीमान सम ग्रेटर होगा, यहाँ पर दोनों में पार्टीशन पी सेम था, सेम पार्टीशन के लिए यूपीएफ एलपीएफ से बड़ा होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक और रिजल्ट बनता है कि ऐसा श्योर ऐसा ही जरूरी नहीं है कि पार्टीशन सेम हो तभी यूपीएफ और एलपीएफ में यूपीएफ बड़ा होगा एलपीएफ छोटा होगा, यहाँ पर पार्टीशन अगर डिफरेंट भी हो जाते हैं दोनों अलग अलग पार्टीशन के लिए भी निकाला जाता है तब भी हमेशा यूपीएफ ग्रेटर होगा किससे, एलपीएफ से। तो ये तो हमें वैसे भी ग्राफ से क्लियर हो रहा है यूपीएफ मतलब अपर रीमान सम और जो कि हमने ग्राफ में देखा था वो यूपीएफ जब भी हम निकालेंगे वो ग्राफ से ऊपर जाएगा, fx y = fx फंक्शन के ग्राफ से ऊपर जाएगा और एलपीएफ जब भी हम निकालेंगे वो उसके ग्राफ से हमेशा नीचे आएगा, तो इसका मतलब ये श्योर है कि पार्टीशन अलग भी किया जाए तो भी हमारे पास यूपीएफ ही ग्रेटर होगा किससे, एलपीएफ से। चलिए फिर नेक्स्ट एक और रिजल्ट है यहां पर कि f और g अगर हमारे पास दो बाउंडेड फंक्शन है, अगर f और g दोनों दो कोई बाउंडेड फंक्शन है और p कोई पार्टीशन इंटरवल a b का, तो हमेशा जो लोअर रीमान सम निकालते हैं हम f प्लस g फंक्शन का वो ग्रेटर होता है किससे, लोअर रीमान सम ग्रेटर हो जाएगा f प्लस g फंक्शन का किससे, लोअर रीमान सम f प्लस लोअर रीमान सम g से। दोनों के f और g फंक्शन के अलग अलग लोअर रीमान सम को निकाल कर ऐड कर दिया जाए तो वो f प्लस g फंक्शन के लोअर रीमान सम से लेस देन होगा यानी कि ये वैल्यू लेस होगी किससे, इससे। इसी तरीके से अपर रीमान सम अगर f प्लस g फंक्शन का निकाला जाए तो वो लेस होगा किससे, दोनों के अलग अलग अपर रीमान सम के सम से, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ये और एक रिजल्ट है प्यारे दोस्तों, लोअर रीमान इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर रीमान इंटीग्रल, तो ये रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए पहले जानेंगे कि लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल क्या होते हैं, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को जिससे कि आपके और भी फ्रेंड्स जो हैं उनका बेनिफिट हो सके, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट